किसको? आपको? आओ सर, इलस्ट्रेशन नंबर 4 बेटा, आपको यहाँ पे कुछ समझने को मिलेगा। आ जा बेटा, जरा 8:30 हो गए क्या? बच गया, बच गया। 8:30 की कंडीशन थी बेटा, आज कपड़े उतरवा देते। पर्सनल प्रॉब्लम होगी। आओ, इलस्ट्रेशन 4 में बेटा, एस लिमिटेड सेंड आउट इट्स गुड टू डीलर ऑन सेल ऑन रिटर्न बेसिस, डन। ऑल सच ट्रांजेक्शंस आर हाउ एवर ट्रीटेड एज एक्चुअल सेल एंड आर पास्ड थ्रू द डे बुक। ये बात इसको बताने की जरूरत नहीं थी, मुझे पता है अगर मैं रिटर्न अप्रूवल बेसिस का क्वेश्चन कर रहा हूँ तो। ऐसे ही सब लोग करते हैं। कैसे करते हैं? गुड्स बेचते हैं डीलर किस कंडीशन पे? सेल या रिटर्न बेसिस पे। सारी ट्रांजेक्शन को वो लोग कैसे ट्रीट करते हैं? एज अ सेल ट्रीट करते हैं। और कहाँ लिख देते हैं सर? डे बुक में लिख देते हैं सर, ये अपने को आता था। आगे, जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर एंड हो रही है 31 मार्च 2020 को, डन। इस डेट को उनको क्या पता चला? ध्यान से, ऐसे ही का मतलब वो वाले गुड जिसको हम लोग सेल या रिटर्न बेसिस पे बेचते हैं। ऐसे ही 200 सच गुड हैव बीन सेंट टू डीलर। हमने डीलर को 200 ऐसे ही गुड्स भेजे हुए थे जिसका इनवॉइस प्राइस है 250 और कॉस्ट प्राइस है 200 ऑन सेल या रिटर्न बेसिस एंड डेबिटेड टू हीज अकाउंट। हीज अकाउंट बोले तो किसका अकाउंट? अरे हीज अकाउंट बोले तो किसका अकाउंट डेबिट किया हुआ है इन्होंने? कस्टमर का अकाउंट उन्होंने डेबिट किया हुआ है, मतलब उन्होंने एंट्री पास की हुई है वही ट्रेड रिसीवेबल टू सेल, मतलब ये वाली एंट्री हो रखी है। और आज है 31 मार्च 2020। ऑफ दीज गुड बोले तो इन 200 गुड्स में से ऑन 31 मार्च 2020 50 गुड्स वर रिटर्न्ड। एक मिनट सर, टोटल थे 200 गुड्स, इसमें से 50 आ गए रिटर्न। ओके, बहुत बढ़िया। 70 वर सोल्ड और 70 की आ गई कंफर्मेशन। 50 गुड बिक गए, ओ सॉरी रिटर्न हो गए, और 70 की आ गई कंफर्मेशन, मतलब ये बिक गए। तो अभी भी कस्टमर के पास कितने गुड्स बचे हुए हैं जिसका अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है? बोलो कितना? 80। कितना बच रहा है? 80। तो सर अब मुझे पता चल गया कि इन 200 गुड्स में से जो कि मैंने ऑलरेडी पास कर रखा था, 50 आ गए रिटर्न, तो क्या रिटर्न की एंट्री होगी? हाँ होगी। 70 का आ गया कंफर्मेशन कि सर हम इस गुड को रख रहे हैं, तो क्या इसकी एंट्री होगी? नहीं होगी। और 80 के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे? डीम्ड रिटर्न। अब बोलो क्या आपको ये आता नहीं है? आता है, जल्दी से करके दिखाओ। चलो नलायक बच्चों, पहली एंट्री कौन सी डेट में होगी? बोलो, पहली एंट्री होगी 31 मार्च 2020 को। क्या एंट्री होगी सर? रिटर्न की एंट्री होगी, तो क्या एंट्री होगी? बोलो, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। कितने? 2। ट्रेड रिसीवेबल। बोलो समझ में आया या नहीं आया सर? ये कितने गुड्स के लिए हुआ है? 50 गुड्स वापस आए और इनवॉइस प्राइस कितना था? बोलो सर कितना आ रहा है? 12,500। वेरी गुड बेटा, मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, नरेशन आपको आती है। अगली एंट्री बेटा सेम डेट में, जिसमें उन्होंने कंफर्म कर दिया कि हम 70 गुड्स रख रहे हैं, उस केस में क्या एंट्री? अरे बोलो, कोई एंट्री नहीं होगी। बहुत बढ़िया बेटा। उसके बाद 80 गुड्स हमने कैलकुलेट करके निकाला है। 8:30 हो गए क्या? एग्जैक्ट 8:30 हो गए या कम है? हो गए एकदम 8:30, अभी पता चलेगा। आओ सर, उसके बाद अगली एंट्री क्या होगी? डीम्ड रिटर्न की एंट्री बेटा। तो डीम्ड रिटर्न की एंट्री यही होती है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। कितने गुड्स को हम लोग डीम्ड रिटर्न मान रहे हैं? अरे बोलो, 80 को।
टू ट्रेड रिसीवेबल। बोलो समझ आया नलायक बच्चों या जाने दिया? अमाउंट बोलो मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है? अमाउंट बोलो, हाँ 20,000। अच्छा इसके बाद किसकी एंट्री होगी बेटा? इन्वेंट्री विथ कस्टमर अकाउंट डेबिट टू नलायक बच्चों टू ट्रेडिंग अकाउंट। अमाउंट बोलो सर। यहां पे किससे मल्टीप्लाई होगा ये 80? यहां पे 80 मल्टीप्लाई होगा 200 से, कॉस्ट प्राइस से। कितना आ गया बोलो जनाब? समझ में आया या जाने दिया? अब सुनो, अब दीदी का कहना है कि आपने जो 200 गुड सेल किए थे इसकी एंट्री नहीं करेंगे। नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला कि आज कौन सी डेट है। क्वेश्चन कह रहा है कि आज है 31 मार्च 2020। देखो आओ, देखो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, आओ क्वेश्चन में देखते। लिखा है जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर ऑन 31 मार्च 2020 200 सच गुन हैज बीन सेंट टू द डीलर। मतलब ये लोग बेच चुके थे, अब जो काम ये लोग कर चुके थे उसकी एंट्री हम लोग थोड़ी ना करेंगे। लेकिन मान लेते हैं कंफ्यूजन होती है, एग्जाम में जाके हम लोग कर देते हैं, उसका मार्क्स कटेगा नहीं लेकिन मिलेगा भी नहीं। आप देखो सॉल्यूशन इन्होंने ऐसे बनाया हुआ है। हाँ जी सर, सॉल्यूशन में इन्होंने यहाँ से शुरू किया हुआ है, तीन एंट्री पास की हुई है। देखो सर हमने भी ये तीन एंट्री पास की हुई है। डन, समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया बेटा, आगे चलते हैं।